नंबर्स के साथ। कल काफी एक्साइटमेंट था इस स्टॉक को लेकर, वीक बाजार में होल्ड आउट भी कर रहा था। टाटा मोटर्स पर एक बार आपकी राय लाऊंगा और नंबर से कोई की एक्सपेक्टेशंस हो तो वो भी बताएं सर। देखिए दीपांशु, टाटा मोटर्स पे अभी हमारे कोई एक्टिव रिपोर्ट्स या टारगेट्स नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशन है कि जेएलआर के वॉल्यूम्स 17-18% के करीब ग्रो हो सकते हैं, मुनाफा 16% ग्रो हो सकते हैं, ये कुछ एक उम्मीदें हैं। बट मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने डी मर्जर की भी बात की है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से वॉल्यूम्स डोमेस्टिक बिजनेस में एज वेल एज जेएलआर में जो इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स के अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो आपको बने रहना है, कमजोर आते हैं अगर तो नीचे पे थोड़ा बहुत अक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ओवरऑल 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट स्टॉक लग रहा है। तो अच्छा कैंडिडेट है, 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स पर रखेंगे नजर, आ जाएंगे इसके नंबर्स। एक टाटा ग्रुप स्टॉक जो कल नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा था, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पर आई हैं।